लोकमत.com. मकर संक्रांत म्हटलं की पतंग आले, मांछा आला, आणि आपल्याला माहिती आहे की बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला पतंग विकत घ्यायला मिळतात. पण मुंबईमध्ये अशी जागा आहे जी खूप पॉप्युलर आहे, जिथे पतंग विक्रीसाठी ते पॉप्युलर आहे, होलसेल रिटेलसाठी, आणि ती जागा म्हणजे इमामवाडा. सो लेट्स एक्सप्लोर दिस. अभी तो बाजार में बरेली की पतंग का चलता है टेंट, और मेरे पास भिन्न भिन्न तरह की चाइना की काइट्स आई हुई हैं, काफ़ी बड़ी से छोटी तक, छोटी से बड़ी तक, बहुत ज़्यादा. और मांझा भी बरेली का ही चलता है, कॉटन थ्रेड. अभी हमारे यहाँ तो है बरेली का अद्दी है, मंजोल है, पौना है, डाईवाली है, लुब्बू है. लुब्बू का ज़्यादा डिमांड रहती है, नीचे से राउंड वाली पतंग रहती है. उसका ऑर्डर सब लोग बनाते हैं, अपने पास तो बहुत सब रेडी वाले हैं. तो बच्चे लोग अभी कार्टून बहुत ज़्यादा चल रहा है, डोरेमोन है, भीम है, छोटा मोटू पतलू है, तो ज़्यादातर बच्चे लोग ये पसंद कर रहे हैं. हाँ, बड़े लोग के लिए चाइना पसंद आया है. इमामबाड़ा में एक कैट से मार्केट है ना, बहुत जूनी मार्केट है, बहुत पुरानी मार्केट है, और सबसे बड़ा बड़ा मार्केट है इमामबाड़ा, डोंगरी इमामबाड़ा. तो कैट का है ना मेन मार्केट, बम्बई से मेन मार्केट है इमामबाड़ा. यहाँ से कितने भी दूर दूर से गुजरात से भी आते हैं, बहुत दूर दूर से यहाँ से मान कैट मांझा है, कैट है, मतलब कैट क्या जितना जितना वेराइटी आता है सब यहाँ इमामबाड़ा में चल रहा है. अभी अब तो टाइम है, कल कुछ तक अभी दो दिन टाइम है, संक्रांति रात कुछ रात गए ना, तो 15 को है वेराइटी. आपको बहुत सा तो 8-10 किस्म का वेराइटी है पतंग कैट, 100 से लेकर 300 तक का वेराइटी है. तो रेट का प्राइस का हिसाब है, 100 से लेके 300 तक. मांझा भी है 200 है, 400 है, 300 है, 500 है, एक रील का 900 मीटर, रील में जो 900 मीटर आता है.